हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माई सेल्फ शमशेर पीजीटी मैथ्स. बेटा, पिछले वीडियोस में हमने 11th क्लास में सेट्स के बेसिक बताए. सेट की डेफिनेशन आपको बताई. व्हाट इज ए सेट? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. बेटा, एक ऑब्जेक्ट्स को कलेक्शन जिसको वेल डिफाइन कर सकते हैं. आपको एग्जाम्पल बताया गया था. अब आपकी क्लास में पूछा जाएगी, बेटा नेम ऑफ डेज ऑफ द वीक, तो आप सभी का सेम रिस्पॉन्स होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. क्यों होगा? क्योंकि ये चीज़ वेल डिफाइंड है कि वीक में 7 डेज होते हैं. उनको सीरियल वाइज भी बताया हुआ है. बेटा, ये चीज़ वेल डिफाइंड है, ठीक है. अच्छा बेटा, एक सेट को लिखने की दो फॉर्म बताइए आपको. एक बताई सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरी क्या बताई? रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में हर एलिमेंट को अलग अलग लिखा जाता है, उनके बीच में कोमाज लगाए जाते हैं, बताया था. और सेट बिल्डर फॉर्म में बेटा हर एलिमेंट को अलग अलग ना लिख के उनको एक रूल से लिखा जाता है, उनकी प्रॉपर्टी बताई जाती है आपको, ठीक है. ये थी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म. और कल बेटा सेट की टाइप्स आपको बताई कि फाइनाइट सेट उस सेट को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, निश्चित हो, फिक्स हो. और अनकाउंटेबल सेट उसको बोलते हैं बेटा जिसमें एलिमेंट्स की संख्या काउंटेबल ना हो, जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट करके ना बता सके कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए सेट. और बेटा, एक सेट की नोटेशन हमेशा कैपिटल लेटर से होती है. ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट एंड सोन. आपसे सारी बातें अच्छे तरीके से डिस्कस की थी, ठीक है बेटा. इसके बाद नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट के बारे में बताया. नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, बेटा वो सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो. इसके बाद बेटा आपको बताया सिंगलटन सेट. बेटा, सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें केवल एक एलिमेंट हो. ए सेट विच इज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट. और इसके बाद बेटा आपको को पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चंस तक करवाए थे. अब बेटा एक्सरसाइज 1.1 के थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं, ओके. अब बेटा, इस थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक सेट दिया हुआ है, उसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है. रोस्टर फॉर्म का मतलब उसके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं. अब इसने क्या बताया फर्स्ट पार्ट में, देखिए बेटा. इसने फर्स्ट पार्ट में बताया सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, वर्ड आपको दे रखे बेटा एलजेब्रा, A L G E B R A. बेटा, इस वर्ड में जो भी लेटर्स है ना, उनका एक सेट बनाना है. तो सेट का नाम बेटा मान लीजिए मैं ए मान लेता हूँ. तो इसमें लेटर्स बेटा सबसे पहले आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता. एक सेट में एलिमेंट्स की सीरीज टूट जाएगी, कोई डिफरेंस नहीं होता. एक सेट को पहले की जगह तीसरे लिखते हो, तीसरी की जगह पाँचवीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. A L G E B R. ए को बेटा रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ए एलिमेंट यहाँ पर आ चुका. एक एलिमेंट को बार बार नहीं लिखा जाएगा, ठीक है. तो बेटा एक एलिमेंट को केवल एक बार ही लिखा जाएगा. रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. अगर आप उसको रिपीट करते हैं तो उस बात का कोई वजूद नहीं है, ठीक है. अब इसके अंदर एलिमेंट्स 3 और 3 6 एलिमेंट्स होंगे. तो आपसे पूछा भी जा सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए क्या होंगे? 6. आप 7 मत बोलना क्योंकि ए बेटा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है इसमें, तो केवल सिंगल टाइम लिया जाएगा, क्लियर है. इसके बाद चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट में. सेकंड पार्ट में क्या बोलता है बेटा? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर्स, विच आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45. क्लियर बेटा. अब बेटा 30 और 45 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनके कॉमन फैक्टर होने चाहिए, यानी कि दोनों को डिवाइड करने चाहिए. और बेटा क्या क्या होंगे सुनिए ध्यान से. प्राइम का कोई जिक्र नहीं हुआ, कॉमन फैक्टर होने चाहिए. अब बेटा इस सेट को मान लीजिए हम बी सेट का नाम डाल देते हैं. बेटा एक तो 1 हो जाएगा. 1 से आप 30 और 45 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, दोनों कॉमन फैक्टर हो गया. 2 नहीं होगा बेटा क्योंकि 2 से 30 तो डिविजिबल है लेकिन 45 डिविजिबल नहीं है. इसके बाद बेटा 3 हो जाएगा. 3 से आप 30 को भी डिवाइड कर सकते हो, 45 को भी कर सकते हो. बेटा 4 नहीं होगा. बेटा 5 हो जाएगा.
फाइव से 30 भी और 45 भी दोनों डिवाइड होते हैं। इसके बाद बेटा सिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिक्स से 30 तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन सिक्स से 45 डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद बेटा सेवन से नहीं होंगे, इसके बाद बेटा एट से भी नहीं होगा, नाइन से बेटा 45 तो होगा लेकिन 30 तो नहीं होता। इसके बाद बेटा टेन से 30 हो जाएगा, 45 नहीं होगा। इलेवन से नहीं होंगे बेटा, ट्वेल्व से नहीं होंगे बेटा, थर्टीन से नहीं होंगे बेटा, फोर्टीन से इसके बाद बेटा फिफ्टीन, फिफ्टीन से 30 भी डिवाइड होगा और 45 भी डिवाइड होंगे। ये ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 30 और 45 दोनों के कॉमन फैक्टर हैं। क्लियर बेटा, ये था आपके पास। इसके बाद चलते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट में। इसके थर्ड पार्ट में बेटा क्या बोलता है, सेट ऑफ ऑल प्राइम, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन, विच आर इवन। बेटा इवन भी हो और प्राइम भी हो, कौन से नंबर होते हैं? टू ही एक ऐसा नंबर है जो इवन होने के बावजूद प्राइम है, बाकी बेटा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है टू के अलावा। तो इस सेट को बेटा मैं सी का नाम डाल देता हूँ और इसमें केवल एक एलिमेंट आएगा टू, जिसको आप सिंगलटन सेट भी बोलते हैं, क्योंकि सिंगलटन सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। इसके बाद बेटा फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में बेटा क्या बोलता है, इस सेट को मैं डी सेट का नाम बना देता हूँ। इसने सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और रोस्ट फॉर्म हमें बतानी है। ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर एंड एक्स इज इक्वल टू थ्री। बेटा आपने वो एक्स लेने हैं जो इन दोनों कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे। बेटा अगर एक्स के लिए थ्री लेंगे तो स्क्वायर फोर नहीं होगा, और अगर एक्स का स्क्वायर फोर लेंगे तो उसके लिए या तो प्लस टू या माइनस टू होनी चाहिए, थ्री नहीं होनी चाहिए। तो अगर फर्स्ट कंडीशन लेते हैं तो सेकंड सेटिस्फाई नहीं होती, और अगर सेकंड कंडीशन लेते हैं तो फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं होती। इसका मतलब बेटा ये सेट नल सेट है। एक्स के लिए थ्री लेते हैं तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, और अगर एक्स स्क्वायर के लिए फोर लेते हैं तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। और हमने एक्स की वो वैल्यूज लेनी है जो बेटा इन दोनों कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे। क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं बेटा हम इसके फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट को बेटा ई सेट का नाम डाल देते हैं। ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाइन एंड ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फोर। ठीक है बेटा, वो सारे एक्स लो जो रियल नंबर्स हों, जिनका स्क्वायर नाइन हो। बेटा स्क्वायर नाइन या तो प्लस थ्री का है माइनस थ्री का होता है, लेकिन साथ ही साथ इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे एक्स के लू टू। अगर एक्स के लू टू लेते हैं तो बेटा स्क्वायर नाइन नहीं होता, और अगर स्क्वायर नाइन लेते हैं तो एक्स के लू टू नहीं होती। कंट्राडिक्शन होगी, यानी कि दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं होती, नहीं होती। बेटा ये भी एक नल सेट होगा, ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर नाइन हो और वैल्यू टू हो। ठीक है बेटा, तो ये सेट भी नल सेट होगा। नल सेट को आप केवल करली ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं, लेकिन अंदर फिर ना लिखे कुछ भी। क्लियर हो गया बेटा, दोनों में से कोई भी एक नोटेशन दे सकते हैं। इसके बाद बेटा सिक्स्थ, सिक्स्थ पार्ट में क्या बोलता है, इस सेट को हमने एफ सेट का नाम डाल दिया। बेटा ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। बेटा वो इंटीजर लो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो बेटा सबसे पहले हम इक्वेशन को ही सोल्व कर लेते हैं। तो बेटा फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या आता है, माइनस 24। बेटा 8 और 3 ले लीजिए, 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x, ऐड करेंगे तो प्लस 5x। आपको पता होगा क्वालिटी इक्वेशन का टॉपिक आया था 9th और 10th क्लास में। माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, शुरू के दो टर्म में से 2x कॉमन ले लीजिए तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 3x प्लस 4। माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, 3x प्लस 4। अब बेटा दोनों जगह से आप 3x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। बेटा या तो ये जीरो या फिर ये जीरो। अगर ये जीरो है तो x की वैल्यू माइनस 4 बाई 3, और यहाँ से x की वैल्यू प्लस 1 बाई 2। बेटा इनमें से इंटीजर तो कौन सा भी नहीं है, ना तो ये इंटीजर है और ना ही ये इंटीजर है।
और आपने तो केवल इंटीजर वैल्यू लेनी है जो इसको सेटिस्फाई करे, तो इसका मतलब बेटा ये सेट भी नल सेट ही होगा, क्योंकि अगर इक्वेशन को लेते हैं तो इंटीजर नहीं बनते, इंटीजर लेते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्लियर है। तो ये भी सेट भी बेटा नल सेट है। इसके बाद चलते हैं बेटा हम इसके सेवंथ पार्ट में। बेटा इसका जो सेवंथ पार्ट है, सेवंथ पार्ट में क्या बोलता है, इस सेट को हम जी सेट का नाम डाल देते हैं, ऑल एक्स सच दैट 4x माइनस 15 लेस देन 29 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बेटा वो सारे x लो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें और नेचुरल नंबर भी हों। तो बेटा पहले कंडीशन को सोल्व करते हैं, 4x लेस देन बेटा माइनस 15 इधर जाके प्लस 15 हो गया, तो बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा 4 से डिवाइड कर देंगे तो x इज लेस देन 11। बेटा x की वैल्यू 11 से लेस हो और नेचुरल नंबर हो तो इस सेट में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बेटा 11 नहीं लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का सिंबल नहीं है, केवल 11 से लेस हो, नेचुरल नंबर हो और 11 से लेस हो। हाँ जी क्लियर हो गया होगा शायद। तो बेटा इस सेट की ये एलिमेंट्स थे। सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, यानी कि एक प्रॉपर्टी दे रखी थी, एक रूल दे रखे थे, इसको रूल मेथड भी बोलते हैं। और आपने बेटा इसकी रोस्टर फॉर्म बताई, इसको लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि आपने एलिमेंट्स की एक लिस्ट बना दी इसके अंदर, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट। बेटा एट्थ जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, एट्थ पार्ट में इस सेट को हम एच का नाम डाल देते हैं बेटा, ऑल एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर माइनस 1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। बेटा वो इंटीजर्स लीजिए जो माइनस 1/2 से बड़े हों और 9/2 से छोटे हों। बेटा इसका मतलब क्या होता है, माइनस 0.5 लेस देन x और लेस देन 4.5। अब बेटा आप वो सारे इंटीजर्स लीजिए जो माइनस 0.5 और प्लस 0.5 के बीच में हो। यहाँ पे जीरो आता है, 1, 2, 3, 4, तो बेटा यहाँ पे 4.5 है और यहाँ पे माइनस का 0.5 है, तो इनके बीच बीच के आपने इंटीजर्स लेने हैं बेटा। इनके बीच बीच के इंटीजर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो बेटा इस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, क्लियर। बेटा एलिमेंट्स को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बेटा हम चलते हैं इसके नाइन्थ पार्ट में। बेटा नाइन्थ पार्ट ध्यान से देखें, इस सेट का नाम हमने आई डाल दिया। ये बोलता है ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स स्क्वेयर लेस देन 20। बेटा वो इंटीजर्स लो जिनका स्क्वेयर 20 से लेस हो। बेटा सुनिए, जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो का स्क्वेयर जीरो होता है, 20 से लेस है। प्लस 1 और माइनस 1 बेटा दोनों नंबर्स ऐसे हैं जिनका स्क्वेयर 20 से लेस है, इंटीजर्स हैं। प्लस 2 एंड माइनस 2, प्लस 3 एंड माइनस 3, प्लस 4 एंड माइनस 4। बेटा आप प्लस 5 और माइनस 5 लेंगे तो उनका स्क्वेयर 20 से बड़ा चले जाएगा, तब और जो इंटीजर्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो आपने वो एक्स ली जो इंटीजर हो और जिनका स्क्वेयर 20 से लेस हो। बेटा आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4। टोटल 9 एलिमेंट्स हैं बेटा इसके अंदर, क्लियर हो गया। और बेटा आपसे बताया भी था कि एक सेट में एलिमेंट्स की जो संख्या है वो उस सेट का कार्डिनल नंबर कहलाती है। एक सेट का कार्डिनल नंबर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्लियर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ में। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा आपने ये बताना है कि वो सेट एक नल सेट है या नहीं, है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। बेटा फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट सुनिए, एक सेट ए दे रखे है जिसमें बेटा एक एलिमेंट है जीरो, तो क्या ये नल सेट है? ये नल सेट नहीं है, क्योंकि नल सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, इसमें एक सिंगल एलिमेंट है जीरो। आप लिखेंगे नो, इट इज नॉट ए नल सेट सिंस देयर इज एन एलिमेंट नेम्ड एज जीरो। यहां पर एक एलिमेंट है जिसमें एक एलिमेंट है जीरो, क्लियर बेटा।
इसलिए सेट एक नल सेट नहीं है। इसके बाद चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में इसने बेटा बी सेट दिया, इसके सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है ऑल एक्स सच दैट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री। बेटा वो एक्स लो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एक ही कंडीशन है। तो जब इस कंडीशन को आप सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो आप इसमें एक एलिमेंट लेंगे और वो क्या होगा, जीरो। बेटा बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह से नो इट इज नॉट ए नल सेट सिंस देयर इज एन एलिमेंट, यहाँ पर एक एलिमेंट है विच इज जीरो। ठीक है बेटा, इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। बेटा इसका जो थर्ड पार्ट वो बोलता है सी सेट का नाम दिया हुआ है ऑल वाई सच दैट वाई स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। बेटा जब आप इस कंडीशन को सोल्व करोगे तो वाई स्क्वेयर टू को रूट टू का स्क्वेयर लिख देंगे इज इक्वल टू जीरो। बेटा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के जब आप फैक्टर करेंगे तो वाई माइनस टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा वाई की वैल्यू एक तो आएगी प्लस रूट टू और एक आएगी माइनस रूट टू, और दूसरी कंडीशन तो कोई है ही नहीं। तो ये दोनों ही वैल्यूज बेटा इधर आ जाएंगी, माइनस रूट टू और प्लस रूट टू। सी सेट में दो एलिमेंट्स हो गए, और नल सेट उस सेट को बोलते हैं जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो आप बोलेंगे बेटा नो इट इज नॉट ए नल सेट, ये नल सेट नहीं है सिंस देयर आर टू एलिमेंट्स, क्योंकि वहां पे दो एलिमेंट्स है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि नल सेट वो सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन है इसका फोर्थ हो गया पार्ट। देखिए बेटा इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में सेट दिया है वह डी ऑल वाई सच दैट वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 27 एंड वाई इज इक्वल्स टू 2। बेटा वो वाई लो जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, इसका मतलब बेटा वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 2। बेटा अगर y की वैल्यू 3 लेते हैं तो 2 सेटिस्फाई नहीं होती, 2 लेते हैं तो 3 सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि y की वैल्यू 2 लेते हैं तो क्यूब 27 नहीं होता, और क्यूब 27 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 नहीं होती। इसका मतलब ऐसा कोई y है ही नहीं जिसका क्यूब 27 और वैल्यू 2 हो। तो इसका मतलब बेटा ये सेट नल सेट है। अब आप लिखेंगे यस इट इज ए नल सेट सिंस There is no element, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसके बाद चलते हैं बेटा हम इसके फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट है बेटा ई तो सेट का नाम दिया हुआ इसने ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 3। बेटा जितनी भी कंडीशन है वो सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर आप एक्स के लिए 3 लेते हैं तो स्क्वेयर 4 नहीं आता, और अगर आप एक्स स्क्वेयर 4 लेते हैं तो वैल्यू 3 नहीं होती। क्लियर है, यानी कि पहली कंडीशन लेते हैं तो दूसरी सेटिस्फाई नहीं होती, दूसरी लेते हैं तो पहली सेटिस्फाई नहीं होती। और जब भी 2, 3, 4, 5 इक्वेशंस का आपसे सॉल्यूशन पूछा जाए तो बेटा सॉल्यूशन होता है जो सभी को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब ई सेट आपके पास बेटा नल सेट होगा। तो अब आप लिखेंगे यस इट इज ए नल सेट सिंस देयर इज नो एलिमेंट। हाँ जी क्लियर हो गया। तो बेटा इस क्वेश्चन का मेन टॉपिक ये था कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म लिखनी थी आपको, और उसके बाद ये बताना था कि ये सेट नल सेट है या नहीं। तो आपको डेफिनेशन बता रखी है, नल सेट वो सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसको नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट के नाम से बेटा जाना जाता है। इन क्वेश्चंस को बेटा आप अपने फेयर नोटबुक में साफ करें, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बेटा आप फोन निकाल डिस्कस कर सकते हैं। माई सेल्फ समशेर पीएचडी मैथ्स। ओके थैंक यू।